तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। पर अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। प्रशांत किशोर ने एक साथ कांग्रेस और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को लेकर कई तरह की टिप्पणियां करते रहते हैं। इतना ही नहीं, गठबंधन सरकार को भी बिहार की तरक्की का बाधा बताते आए हैं। पर ये भी 100% सही है कि मौका मिलते ही बीजेपी को भी नहीं छोड़ते, और इस बार कुछ ऐसा ही हुआ। प्रशांत ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक साथ आड़े हाथ लेते हुए बिहार में नाकाम रहने की पूरी समीकरण को सामने रख दिया। 1989 में जब कांग्रेस यहाँ हारी, उसके बाद उन्होंने बिहार को लालू जी के हवाले करके एक तरीके से बेच दिया। बिहार को बेचा, अपने संगठन को भी बेच दिया। और कांग्रेस अकेले नहीं है इसमें। जो गलती बिहार के जनता के साथ धोखा कांग्रेस ने किया 1990 में, कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी बिहार की। एक बार चुनाव हारे और फिर उन्होंने लालू जी के हवाले करके छोड़ दिया बिहार की जनता का जो होना है हो। यही गलती भाजपा ने नीतीश के साथ की, नीतीश के हवाले बिहार में कर दिया, बिहार को कर दिया। और ये चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो। मैं इस बात को समझिए, जो भाजपा दूसरे राज्यों में अलग अलग दलों को तोड़कर अपनी सरकार बनाती है, बिहार में 2020 में वो इस राज्य में सबसे बड़े दल थे, लेकिन उन्होंने पद नहीं संभाला, जिम्मेवारी नहीं ली बिहार को सुधारने का। उन्होंने नीतीश जी को बनाया जिनके पास सिर्फ 42 विधायक थे। क्यों किया ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं किया कि उनको नीतीश से प्रेम था, ऐसा इसलिए किया कि भैया हमारा नीतीश से समीकरण बना रहे और हमारे 30-35 MP सांसद जीत कर जाते रहे। प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं जनता को ये समझाने की कोशिश की है कि बिहार में जनता ने जिस भी पार्टी पर भरोसा दिखाया, बदले में उन्हें सिर्फ धोखा मिला है, क्योंकि पार्टियों का मकसद सिर्फ बिहार से सांसद जीत कर आने तक ही सीमित रही है। सोनिया गांधी और कांग्रेस ने क्यों बेचा बिहार को लालू के हाथ में? इसलिए कि हमारे 20-25-30 सांसद दिल्ली में जाते रहे, बिहार की जनता मरती हो तो मरे। तो ये बिहार की त्रासदी रही है कि दोनों राष्ट्रीय दलों ने, कांग्रेस ने 1990 में और बाद के वर्षों में भाजपा ने, इन्होंने सांसदों की लालच में बिहार की चिंता नहीं की, सिर्फ ये देखा कि बिहार से हमको 20-25-30 सांसद आते रहे और हम लोग दिल्ली में बैठ के कहते रहे कि बिहार तो पिछड़ा है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। और जो लोग यहाँ दो लोग चलाते रहे, लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है भाई, समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समतामूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए। प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा इन दिनों मधुबनी में चल रही। विधानसभा चुनाव से पहले ये यात्रा बिहार के लगभग हर जिले से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान पीके का बिहार के सत्ताधारों पर लगातार वार प्रशांत के हिस्से में क्या लाएगा, ये फिलहाल अंदाजा लगा पाना जल्दबाजी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।